हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। गाइस, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो गाइस, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाली जो यूनिट थी उसका जो सेकंड चैप्टर है ये, और ये मेरी इस चैप्टर पे फर्स्ट वीडियो है। और मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स पर वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल #smiley पे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो इसे थम्स अप दे और मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि मेरी आदत है, सबसे पहले मैं चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ, उसी तरह हम इस चैप्टर का भी क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। जो क्या है, इंस्टीट्यूट ने एक चार्ट के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है कैन बी बोल्डली कवर अंडर द फॉलोइंग हेड, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है उसके अंदर हमें ये सब कुछ क्या करेगा पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं, जो सबसे पहले है वो बताया हुआ है हमें नोट्स के बारे में, बिल का होता है, चेक क्या होते हैं और अदर रिलेटेड प्रोविजंस है। इसमें हमें सेक्शन 4 से लेकर 25 तक हमें क्या ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है इनकी पार्टीज़ कौन होती है, वो उसके बारे में हमें पता चलेगा। फिर हमें नेगोशिएशन, उसे ट्रांसफ़र करने के बारे में, फिर उसे प्रेजेंटमेंट करना, डिस्चार्ज करना लाइबिलिटी को उसकी, इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद उसमें आ जाएगा कि डिसऑनर का नोटिस कैसे देना, फिर उसे नोटिंग और प्रोटेस्टिंग करवाना, फिर कंपनसेशन करना उसके लिए। फिर आता है रूल ऑफ एविडेंस के बारे में हमें पता चलेगा, इंटरनेशनल लॉ और जो भी पेनल्टीज़ हैं उन सब के बारे में क्या करना हमें पता चलेगा। तो चलिए गाइस, अब हम हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको पढ़ा दूंगी। तो देखिए, जो क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इज़ अ लॉ। ये क्या एक लॉ है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो क्या एक लॉ है, जो लॉ ऑफ द कॉमर्शियल वर्ल्ड, कॉमर्शियल वर्ल्ड के अंदर विच वॉज अनेक्ट टू फैसिलिटेट द एक्टिविटी ट्रेड कॉमर्स मार्केटिंग प्रोविजन ऑफ गिविंग सेंसिटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट शुड बी डीम्ड टू बी द कन्वर्टेबल इंटू मनी एंड ईजली पैसेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो देखो, इसमें हमें क्या बताया हुआ है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इजीली, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के अंदर कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये क्या देता है, हमें क्रेडिट देता है, हमें उधार देता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे किसी ने मेरे पे एक महीने का बिल लिख दिया, तो मैं एक महीने बाद क्या करूँगी, उसे पे करूँगी वो बिल, या मैंने किसी पे एक महीने के लिए क्या ले लिया वापस से, एक महीने के लिए मैंने उससे उस पे बिल लिख दिया तो वो मुझे क्रेडिट दे रहा है। तो इसलिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है कि एक मनी के फॉर्म में होता है, जिसे हम ईजिली से कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के अंदर, उसकी टर्म जो कंडीशन डिस्क्राइब की हुई है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है इन द एबसेंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट द ट्रेड कॉमर्शियल एक्टिविटी वर लाइकली टू बी एडवर्सली इफेक्ट एज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू ट्रेडिंग कम्युनिटी टू कैरी आउट विद इन द बुल्क ऑफ करेंसी इन फोर्स। कि अब क्या होता है कि जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये हमारी क्या करता है, जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो हमारी ट्रेडर्स है, जो हमारे बिजनेसमैन है, उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। ये उनकी हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, कि हमें जो बहुत सारी करेंसी की है, क्या हमें एक साथ क्या नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लो कि आज अगर अगर हमारा क्या हो, अगर हमें हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना होगा तो हम पे पहली बात तो हमें कोई बिलीव नहीं करेगा कि कोई माल देगा, माल देने से पहले वो पेमेंट मांगेगा। अगर हम उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसे बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये बंदा मुझे पैसे एटलीस्ट देगा तो ज़रूर। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि बहुत सारी करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि मान लो आज मैंने कोई एक बिल काट दिया वो एक महीने का, फिर कोई 2 महीने का, फिर कोई 3 महीने का, जैसे ऐसे करके ना मुझे किस्तों में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एक साथ बुल्क में मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके लिए भी काम आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर देखो, द शोर्स ऑफ इंडियन लॉ रिलेटेड टू सच इंस्ट्रूमेंट इज़ एडेप्टेडली टू इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसे इंग्लिश कॉमन लॉ के अंदर भी डिफाइन किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का लीगल सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है उसको क्या बनाना, ईजी बनाना। इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लिकेटेड बाई द कुड पास फ्रॉम द हैंड टू हैंड नेगोशिएबल लाइक अदर गुड्स। कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे हम हैंड टू हैंड क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मतलब मान लो आज क्या था, ये ए के पास था, ए ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, बी ने, बी को किसने ट्रांसफ़र कर दिया, सी ने सी को किसने ट्रांसफ़र कर दिया, डी ने। तो मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे आज जैसे ये क्या हूँ, मैं हूँ, ठीक है, आज मेरे से क्या कोई ए क्या पैसे मांग रहा है, तो मैंने इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया। और ए से कोई पैसे मांग रहा है, बी मांग रहा है, तो बी ने जो मेरा वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो अब बी को दे दिया। तो अब मुझे पेमेंट किसको करना है, बी को पेमेंट करना है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ऐसे चलती रहती है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन का क्या मतलब है, ट्रांसफ़र करना। क्या मतलब है उसका, ट्रांसफ़र करना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे गुड्स होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, वैसे ही हम इस इंस्ट्रूमेंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज।
फिर देखो इसमें क्या बोला है कि जो लॉ इन इंडिया रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उस एक्ट का क्या नाम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नेम है उसका। फिर आता है ये एक्ट डिफाइन करता है, इसमें अमेंडमेंट्स है, जितनी भी जो रिलेटेड एक्ट के अंदर जितना भी कुछ प्रोविजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट आती है वो क्या होती है, इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। फिर बोला हुआ है कि एक्ट अप्लाई, ये होल इंडिया पे अप्लाई होता है, जैसे कुछ एक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जे एंड के पे क्या नहीं होते, अप्लाई नहीं होते, यानी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते हैं, बट जो हमारा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कहाँ पे, होल इंडिया में अप्लाई होगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर पे भी क्या होगा, वो अप्लाई होगा। बट नथिंग हियर कंटेन इफेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1943 जो 3-4 है उस पर क्या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इस सेक्शन का। सेक्शन 21 विच प्रोवाइड टू बैंक हैव राइट टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया और इफेक्ट एनी लोकल यूजर रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट और ओरिएंटेड लैंग्वेज, कि जो रिजर्व बैंक के पास जो भी राइट्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फिर उसको देखो गाइज, ये इंट्रोडक्शन हमेशा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत ही कुछ डिस्क्राइब किया होता, आपको एक बार प्लेन रीडिंग लेनी है, बार बार आपको इसको इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ना। उसके बाद बताया हुआ है कि जो प्रोवाइडेड सच यूजेज में बी एक्सक्लूडेड एनी वर्ड इन बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेटिंग द इंटेंशन दैट लीगल रिलेशनशिप ऑफ पार्टी देयर थ्रू, मतलब जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बताएगा हमें, लीगल रिलेशनशिप बताएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे क्रिएटर और डेटर की रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। जैसे आज मैंने क्या किया, आज मेरे से कोई पैसे मांग रहे हो तो मैंने उसे पैसे दिए, तो ये तो मेरा क्या बन गया, डेटा बन गया, फिर ये मेरा क्या बन गया, क्रिएटर बन गया, और मैं इसकी क्या बन गई, डेटा बन गई, तो ये क्या रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। उसके बाद ये एक्ट उसमें हुंडीज पे एप्लीकेबल होता है, और इसके अंदर ट्रेजरी बिल है, बेयरर डिबेंचर्स है, उन सब पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या होता है इफेक्ट करता है, डालता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिसेंट डेवलपमेंट, द एक्ट वाज अमेंडेड सर्वाइवल टाइम, कि जो हमारा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो क्या होता रहता है, अमेंडेड हो रहता रहता है। तो देखो पहले क्या था कि जो 1882 था, 1881 था, फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडेड होने के बाद 2002 आ गया, फिर एक्ट 2015 आ गया, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2015 रिसीव द असेंट ऑफ प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट की उसको 26 जनवरी को उसने परमिशन ली, ऑफिशियल गैजेट पे वो 29 दिसंबर को आया, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसे क्या दी, परमिट किया। उसके बाद जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 आया, जो कि अभी तक क्या माना जा रहा है, इन्फोर्स में माना जा रहा है, जो 15 डे ऑफ जून को क्या हुआ, वो एप्लीकेबल हुआ था। फिर आता है अमेंडेड एक्ट 2015 मॉडिफाई द डेफिनेशन, उसमें क्या हुआ, चेक की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक को क्या क्या था इंक्लूड किया गया था, क्योंकि पहले क्या होता था फिजिकल चेक्स होते थे, बट आजकल क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉनिकल बेस क्या होने लगा, सारा काम होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, आजकल ज़्यादा हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो जिसके थ्रू सारी चीज़ें आज कौन से फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में आ गई है, तो उसके अंदर मॉडिफाई करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड को क्या किया था, ऐड किया गया था। अब आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो जिसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि हम लाइक कैश, जैसे हम कैश को ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसे वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीवरी के थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिगिन श्यू अपॉन द पर्सन होल्डिंग इट फॉर टाइम बिगिन, और इस पे हम क्या कर सकते हैं, जो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है वो क्या कर सकते हैं, शूट कर सकता है, मतलब किसी पे केस भी दर्ज कर सकता है। द प्रॉपर्टी इन विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास बोनाफाइड ट्रांसफ़र फॉर द वैल्यू, कि अगर हमारा ट्रांसफ़र क्या होगा, बोनाफाइड होगा, यानी हमारी इंटेंशन गलत नहीं होगी, हमने क्या किया, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, तब वो क्या होगा, वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो क्या होगा, बोनाफाइड होगा। देखो जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक्ट है, वो तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं करता। हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट मेंशन ओनली 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंदर सिर्फ 3 क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है, नेमली जैसे बिल हो गया, उसमें नोट्स आते हैं, और चेक, ये 3 टाइप के क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या बता रहा है कि सेक्शन 13 सेज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, आई द ऑर्डर और बेयरर, कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एक उसके अंदर हम प्रोमिसरी नोट को भी इंक्लूड करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक को क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, जो कि किसी के ऑर्डर पे या फिर क्या है अपने आप जो बेयरर होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेबल टू और मोर पेई जॉइंटली, जो हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, जॉइंटली 2 पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इट मे बी मेड इन अल्टरनेटिव वन ऑफ टू
और वन ऑफ द सम्स रेवल पे, कि इसे हम कैसे भी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं कि दो बंदे मिलके एक बंदे को दे सकते हैं या फिर एक बंदा मिलके दो बंदे को दे सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि नेगोशिएबल मोड क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करने के। अब देखो, अ प्रॉमिस डू नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज और पेबल टू ऑर्डर, कि उन्हें क्या है हम ऑर्डर पे भी पे कर सकते हैं। जैसे देखो आज है ना ए है, ठीक है, इसके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना था, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपना बी को दे रहा है, तो अब बी अपने ऑर्डर पे बी बोल देगा कि ये ना तुम मुझे मत देना, ये सी को दे देना। तो ये क्या है ऑर्डर पर भी क्या होते हैं बेरर होते हैं। विच इज़ एक्सप्रेस टू बी सो पेबल एंड एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड प्रोहिबिशन ट्रांसफर, मतलब क्या है वो इजिली से ट्रांसफ़र कर सकता है, उस पर प्रोहिबिशन वर्ड नहीं लिखा होता। जैसे ए ने किया बी को ट्रांसफ़र, बी ने किया सी को ट्रांसफ़र, सी ने किया डी को ट्रांसफ़र, तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लिखा होता कि ये बंदा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब इस पर ना कोई किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा होता। जैसे इस पर ऐसे नहीं लिखा हुआ कि जैसे ये शाम को ही ओनली पेबल हो गया या ये ओनली राधा को पेबल होगा, मतलब ऐसा कुछ भी इस पर नहीं लिखा होता, इस पर कोई नेम नहीं लिखा होता, तो इसे हम क्या कर सकते हैं ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आता है कि प्रॉमिसरी नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज है पेबल ऑन बेयर विच इज़ एक्सप्रेस टू बी शो पेबल ऑन विच इज़ ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। तो देखो बेरर होता है इसमें क्या होगा जो हम एंडोर्स करते हैं, यानी ए ने किसको दिया बी को दिया, तो इसे हम क्या बोले हैं इसे हम एंडोर्समेंट बोलते हैं कि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया, तो ये क्या एंडोर्समेंट ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ पर एंडोर्समेंट होता है वो क्या होता है ब्लैंक होता है, मतलब इस पर कुछ भी जो अमाउंट देनी होती है सिर्फ उसी के बारे में डिस्क्राइब किया होता है, किसे देना है क्यों देना है वो सब उसमें डिस्क्राइब नहीं किया होता। उसके बाद देखते हैं थर्ड वे अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक आइदर ओरिजिनली और बाय एंडोर्समेंट इट इज़ अब उसे क्या कर रहे हैं या तो हम जैसा है वैसा ही भेज रहे हैं या उसे हमें एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेस करता है पेबल टू ऑर्डर अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर इट इज़ नेवर थलेस पेबल टू हिम और हिज ऑर्डर एट हिज ऑप्शन, कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी हम स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर पे भी दे सकते हैं, यानी उसने कहा किसी और को पे करना है तो उसे किसी और को भी पे कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं उसके ऑर्डर पे मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फॉर्म में किसे देना चाहता है। फिर आता है इट डज़ नॉट नेसेसरी फॉलो दैट देयर कैन बी नो अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसके अंदर कोई जो ये एग्जांपल दी हुई है हमें ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या है इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोमिसरी नोट हो गया, शाज होगी, हुंडी होगी, डिलीवरी ऑर्डर होगी, रेलवे रिसिप्ट ऑफ गुड्स होगी और ड्राफ्ट अ बैंकर ड्राफ्ट, तो मतलब ये सारे क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के से हमें कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, जिसमें हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो प्रोमिसरी नोट के बारे में पता चलेगा कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। तो गाइज जैसे ना अभी प्रोमिसरी नोट है, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आएगा, चेक पे आएगा, तो आपको इन पे शॉर्ट नोट जो लिखना दिया जा सकता है, तो मतलब 3 नंबर का पूछ लिया, 2 नंबर का पूछ लिया, 5 नंबर का पूछ लिया, तो इन पे शॉर्ट नोट दे आ सकता है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या है इसकी डेफिनेशन और इसके अंदर थोड़ा बहुत इसकी जो फीचर्स वगैरह उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस पर शॉर्ट नोट लिख सको, तो आप इन सब पे क्या फोकस करना। वैसे ना जो ये वाला चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें ज़्यादातर तो क्या होते हैं कि एमसीक्यू ही क्वेश्चन, वो सॉरी एमसीक्यू क्या, इसमें केस स्टडी बेस ही क्वेश्चन बनते हैं, हर बार इंस्टीट्यूट लगभग तो केस स्टडी बेस ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बट हमें क्या करना है दोनों करके चलने हैं ताकि कोई भी इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट है वो दे तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखते हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1884 और सेक्शन 4 के अंदर क्या है प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया हुआ है। एक प्रोमिसरी नोट होता है वो क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक रिटर्न में इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कोई बैंक नोट नहीं होता ना ही कोई करेंसी नोट नहीं होता है, जो क्या होता है अनकंडीशनल होता है। प्रोमिसरी नोट में ना कभी भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए अनकंडीशनल होना चाहिए, और जो इसे बनाता है वो क्या करेगा साइन करेगा, साइन बाय मेकर होना चाहिए, और एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा, किसे पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा उसके और उसके किसी ऑर्डर पे किसी को पे करेगा, वो क्या बेरर इंस्ट्रूमेंट या फिर वो क्या हो सकता है बेयर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो ये क्या है प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन, मतलब प्रोमिसरी नोट क्या होता है एक रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि बैंक नोट नहीं होगा और करेंसी नोट नहीं होता, जो क्या होता है अनकंडीशनल होता है, जो मेकर उसे क्या करता है साइन करता है, और वो क्या होता है कि पर्स वो उसका जो एक सर्टेन सम ऑफ मनी, ऐसे नहीं है कि जैसे हाँ ठीक है मतलब ऐसे होना चाहिए कि ठीक है 200 रुपये देने हैं या 2,000 रुपये देने हैं 2 लाख रुपये देने हैं, तो ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड होनी चाहिए, ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि जितना तू मेरे मतलब मान लो आज मैं ना ए है तो ए बी से कितने 2,000 रुपये मांगता है, तो बी ने क्या लिखा एक प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, तो उस पर क्या लिख दिया कि जितना बी को
जितना भी मेरे से मांगता है, तो ऐसे नहीं लिख सकता उसे। क्या एक प्रॉपर अमाउंट लिखनी पड़ेगी, एक सर्टेन अमाउंट लिखनी पड़ेगी जो उसके या किसी ऑर्डर के क्या होगी, पेबल होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो प्रॉमिसरी नोट की कुछ फीचर्स है, वो कंडीशन अपने को बताई हुई है। देखो जो प्रॉमिसरी नोट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्न में होता है, वो कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता। मस्ट बी कंटेन क्या होता है, कंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जो साइन अनकंडीशनल होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं होती है, जिसे हम साइन कौन करेगा, मेकर करेगा। और एक सर्टेन सम ऑफ मनी होता है जो उसके सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे या उसके बेयरर इंस्ट्रूमेंट पे उसे पे किया जाता है। उसके बाद देखो इसमें हमें बताना है कि जो प्रॉमिसरी नोट कौन सा है और नहीं है। तो ये देखो ए प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 500 रुपये, ये बोल रहा है कि ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं तुझे कितने रुपए दूंगा, 500 रुपये दूंगा। तो ये क्या है, हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है। वो क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, जो कि रिटर्न के अंदर नहीं है। ये देखो हमारा आंसर दिया हुआ है कि इसमें द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टली मार्क ए एंड बी आर प्रॉमिसरी नोट एंड द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टली मार्क सी डी हैव नोट प्रॉमिसरी नोट। सॉरी गाइस, देखो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, प्रॉमिसरी नोट है हमारा, मैंने आपको गलत बता दिया था, ये हमारा प्रॉमिसरी नोट है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है ए, जो मैं मतलब मान लो जो भी बंदा है वो क्या कर रहा है, बी से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा। ठीक है, तो अब सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, डिसाइड किया सर्टेन अमाउंट है, सब कुछ सही से क्या किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा। अब देखो आई एक्नोलेजमेंट माई सेल्फ कि जो मैं जानते हूँ कि क्या है मेरे पास, मैं जो बी है वो मेरे से 1,000 रुपये मांगता है और मैं उसे क्या पे करूँगा, अपनी डिमांड पे पे करूँगा। तो ये क्या है, हमारा प्रोमिसरी नोट भी है, ये भी जो हमारा बी है ये भी क्या है, प्रोमिसरी नोट है। ये देखो आपको नीचे भी आपको देखने में मिलेगा, जो ए और बी वो क्या है, हमारे प्रोमिसरी नोट है। तो ये देखो अब हमारा बी जो प्रोमिसरी नोट कैसे हुआ ये देखते हैं। आई एक्नोलेजमेंट माई सेल्फ टू इन डेप्ट बी, कि मैं जानता हूँ भी मैंने बी से कितने रुपए, 1,000 रुपए लिए हुए हैं। यानी देखो उसने सही ढंग से क्या एकदम प्रॉपर लिख के दिया या बोल के दिया कि मेरे पास, लिख के दिया कि मेरे पास कितने रुपए हैं, मुझे बी को कितने रुपए पे करने हैं, 1,000 रुपए पे करने हैं, चाहे वो उसकी डिमांड पे करूँ जो वैल्यू मैंने उससे रिसीव की है। फिर ये बोल रहा है मिस्टर बी आई ओ यू, मतलब आई बोन यू, कि जो मिस्टर बी है वो बोलता है कि मैंने तुमसे क्या है, 1,000 रुपये उधार ले रखे हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने उससे 1,000 रुपये ले रखे हैं। तो ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ, प्रॉमिसरी नोट बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन के साथ होना चाहिए। फिर बोलता है आई प्रोमिस टू पे 500 रुपये बी, कि मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं 500 रुपये बी को पे करूंगा, एंड ऑल अदर सम विच आर ड्यू टू हिम, कि ऑल अदर सम जो वो क्या है मेरे से मांगता है। तो हमने जो पीछे कंडीशन में पढ़ा था कि वो क्या होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सर्टेन अमाउंट नहीं है, कि वो क्या मांगता है वो हमें पता नहीं है, तो ये भी हमारा प्रोमिसरी नोट नहीं है। उसके बाद आता है आई प्रोमिस टू पे 500 रुपीज़ फर्स्ट डिडक्टिंग आफ्टर देयर एनी मनी विच मे ऑन मी, वो बोल रहा है कि मैं बी को क्या दूंगा, 500 रुपये दूंगा, और उसमें से ना मैं सारे पैसे वो काट लूंगा जो मैं उससे मांगता हूँ। तो ये भी क्या हुआ, हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। उसके बाद भी बोल रहा है कि मैं 500 रुपये दूंगा जब क्या हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, किसके साथ, सी के साथ, कि जब 7 डेज बाद क्या है मैरिज हो जाती है उसकी सी के बाद, मतलब तुम्हारी मैरिज हो जाती है सी के साथ, जब मैं तुम्हें क्या दूंगा तुम्हें पैसे दूंगा 500 रुपये। ये तो क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, जो कंडीशन कंडीशनल होते हैं वो क्या नहीं होता, हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। अब ज़रूरी थोड़ा ना है कि जो सी के साथ जो भी बी की मैरिज हो, ज़रूरी नहीं है वो सी डी के साथ भी तो मैरिज कर सकता है। तो ये कंडीशन, ये भी क्या हो गया, हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। उसके बाद ए प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डेथ, ये देखो ये बोल रहा है कि ये प्रॉमिस कर रहा है कि बी को मैं 500 रुपये दूंगा डी की डेथ पे, प्रोवाइड डी लिव मी इनफ टू पे दैट सम, कि जो सम क्या था डी ने जो डी डी के मरने के बाद जितना सम वो छोड़ के जाएगा ना, उसमें से मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब ज़रूरी थोड़ी है डी मरने के बाद 500 रुपये छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आई प्रोमिस टू पे 500 वो बोलता है डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट, कि अगर उसने मेरा काला घोड़ा क्या किया डिलीवर किया तब तो मैं उसे क्या दूंगा, 500 रुपये दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो ये भी क्या हुआ, हमारा प्रोमिसरी नोट नहीं हुआ, ये भी क्या है, कंडीशनल है। तो ए और बी थे वो हमारे क्या है, प्रोमिसरी नोट हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सेम वही बात लिखी है, इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा कि ये क्या है राइटिंग के अंदर देगा, अनकंडीशनल ऑर्डर में होना चाहिए, साइन मेकर करेगा इसे, डायरेक्टिंग टू सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, कि सर्टेन जो सम है वो मनी का उसे पे करेगा, उसके ऑर्डर पे करेगा, और बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। उसके बाद देखते हैं
देखो, ये प्रोमिस्ड और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 बाई रीजन टाइम फॉर पेमेंट और अमाउंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट डेट्स और बीन एक्सप्रेस टू बी लैप्स ऑन सर्टेन पीरियड आफ्टर द अकरिंग द स्पेसिफाइड इवेंट और अकरिंग द ऑर्डनरी एक्सपेक्टेशन मैनकाइंड सर्टेन हैप्पीनेस रो है। देखो, इस पहले में हमें क्या बताया हुआ है कि जो हम क्या कर रहे हैं कि ये वो उसे हम कंडीशन ही मानेंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि आज मान लो 1 जनवरी है, ठीक है, और मैंने कहा मैं तुम्हें कब पे करूँगी, 31 जनवरी को मैं क्या कर दूँगी तुम्हें ना, तुम्हारा जो प्रॉमिसरी नोट है, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी जो जितनी भी अमाउंट होगी वो मैं तुम्हें क्या कर दूँगी, पे कर दूँगी। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन नहीं मानी जाएगी। या फिर मैंने कहा कि ठीक है 26 जन मान लो 1 जनवरी को मैंने उस पर नोट लिखा और मैंने कहा 26 जनवरी 26 जनवरी के रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के बाद मैं क्या तुम्हें पे कर दूँगी। तो मतलब सर्टेन इवेंट भी क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वो होना ही होना चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या, मैं ऐसे बोला कि बी ए ने बोला बी को कि अगर सी की डेथ हो जाएगी ना, तो डेथ के बाद मैं तुम्हें क्या दूंगी, 500 रुपये, पूरे पूरे 500 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगी। तो अब सी की डेथ होना क्या है, सर्टेन इवेंट है, क्योंकि कोई भी अमर अजर नहीं होता, उसकी डेथ तो होनी होनी होती है। तो अब सी चाहे आज मरे या 100 10 साल बाद मरे, कितने भी साल बाद मरे, जब भी ये मरेगा तब क्या मिलेगा, बी को 500 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉमिसरी नोट हो गया, क्योंकि कंडीशन क्या है, सर्टेन कंडीशन है, मतलब कि जो कंडीशन हैपन होनी होनी चाहिए। तब वो क्या होगी, जैसे कि अब एक अगर मान लो ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 500 रुपये तभी दूंगा जब तू क्या करेगा, जब जो हमारा सी है उसकी शादी डी के साथ हो जाती है। अब जरूरी थोड़ी ना है सी की शादी डी के साथ हो, अगर सी पहले से ही शादीशुदा हो तो बस ऐसे जो कंडीशंस है उन पे डिपेंड करता है। तो जो कंडीशन होते हैं वो क्या होनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल सी, एक वैल्यूएबल कंडीशन होनी चाहिए जो क्या हैपन हो सके। ऐसे नहीं है कि जो जो पॉसिबल ही ना हो वो कैसे हो जाएगा। तो ऐसे पॉसिबल जो कंडीशंस है उस केस में क्या होगा, ये हमारा प्रोमिसरी नोट हो सकता है। उसके बाद देखते हैं जो सम पेबल करेंगे हम, जितना भी मनी हम उसे देंगे वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट भी पे करना है तो वो सब कुछ क्या होना चाहिए, इसमें इंक्लूड होना चाहिए। और जो पे जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है जो डिफाइन की हुई है या फिर कोई अनपेड अमाउंट है, वो सब क्या होनी चाहिए, बताई हुई होनी चाहिए। फिर आता है कि इसमें क्लियर डायरेक्शन देनी चाहिए कि पेमेंट सर्टेन पर्सन को करना है या फिर किसी और को पर्सन को करना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होना चाहिए। उसके बाद देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज है इन रिटर्न में होना चाहिए, मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, मेकर साइन करेगा और सर्टेन पर्सन को क्या देगा, डायरेक्शन देगा कि तुम मनी पे करो उसके ऑर्डर पे और बेयर इंस्ट्रूमेंट पे। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है सेक्शन 6, हमें डिफाइन करता है चेक के बारे में। देखो, आपको इस चैप्टर के सेक्शन याद रखना ना बहुत अच्छे से आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे देखो, सेक्शन 4 हमें किसके बारे में बताएगा, प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताएगा। सेक्शन 5 हमें बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताएगा। सेक्शन 6 हमें किसके बारे में बताएगा, चेक के बारे में बताएगा। तो ये ऐसे लाइन से आपको ईजी याद हो जाएंगे। ये देखो, चेक क्या होता है, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। जो चेक होता है वो हम क्या है, किसी स्पेशल बैंकों पे रखते हैं, लिखते हैं नोट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज। चेक को हमेशा डिमांड पे देते हैं, वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। और चेक के अंदर आज का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल चेक है, जो चेक की इमेज है उसे भी इंक्लूड कर लिया गया, और जो हमारा ट्रंकेट चेक है उसे भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया गया। सबको इलेक्ट्रॉनिक चेक या ट्रंकेट चेक पे भी श्योर नोट लिखना दे दे या इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले, तो ये आपको भी ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं, ये देखो जो चेक है उसे उसे क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज करता है जिसे हम ड्रोन करते हैं, स्पेसिफाई बैंकर पे ड्रोन करते हैं, और जो पेबल ऑन डिमांड होता है, जो कि पेबल ऑन बेरर नहीं होता, ठीक है। अब बैंकर कौन होगा, बैंकर इंक्लूडिंग एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, कोई भी पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक चेक कौन सा होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रंकेट चेक कौन सा होता है। तो गाइज, आपको इन दोनों में अलग अलग भी शॉर्ट नोट इन पे पूछा जा सकता है, या फिर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के बारे में भी पूछा जा सके। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अच्छे से। अब देखते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले है पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक चेक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है। तो उसमें देखो, इलेक्ट्रॉनिक चेक मीन एक चेक होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है जिसे हम ड्रोन करते हैं किसके थ्रू, कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू, जिसे हम साइन करते हैं एक सिक्योर सिस्टम के थ्रू, हम क्या करते हैं साइन कर सकते हैं, साइन करते हैं ताकि और कोई इसकी जो हमारा साइन है उसकी क्या कर ले, कॉपी ना कर ले। इस पर हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं विदाउट कोई बायोमेट्रिक सिग्नेचर के, ऐसे नहीं होता। पहले हम क्या करेंगे, इस पर कोई पेपर पर सिग्नेचर किया मान लो, और पेपर पर सिग्नेचर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं उसे स्कैन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, वैसे नहीं होता। इसमें सीधा डिजिटल सिग्नेचर ही होता है। इसमें एस्ट्रोमेटिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए। तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है।
तो देखो इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है जिसे हम सिक्योर्ड कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू बनाएंगे, जिसे हम साइन करेंगे सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू, और डिजिटल इस पे क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं। अब देखो अब बात आती है ट्रंकेट चेक की, कि ट्रंकेट चेक क्या होता है। तो ट्रंकेट चेक मीन अ चेक ट्रंकेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लाइंडेटिक साइकिल आइदर बाई क्लिनिक हाउस बैंक और वेदर पेइंग और रिसीव पेमेंट इमिडिएटली और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रांसमिशन सबमिशन फर्दर फिजिकल मोमेंट ऑफ चेक इन राइटिंग। तो देखो जो ट्रंकेट चेक होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो हम एक फिजिकल चेक तैयार करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये चेक तैयार कर लिया यहाँ पे, जैसे मेरा साइन हो गया। तो अब जो ये चेक है ये क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और फिर हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, हमारा ट्रंकेट चेक हो गया, जिसे हम सीधा कंप्यूटर पे बनाते हैं वो कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया, जिसे पहले हम पेपर पर बनाते हैं फिर उसे कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो वो हमारा कौन सा चेक हो गया, ट्रंकेट चेक हो गया। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लियरिंग हाउस का मतलब बताया, मेन क्लियरिंग हाउस मैनेज बाई कौन इसे करता है, रिजर्व बैंक मैनेज करता है, क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि क्लिनिक जो साइकिल है उसके थ्रू जो आइदर बाई जो हम जो हमारा चेक स्कैन करेंगे वो किसके थ्रू स्कैन करेंगे, जो हमारा रिजर्व बैंक है जो मैनेज करता है जो इस हाउस को, उसके थ्रू हम क्या करेंगे इसे स्कैन करेंगे। फिर आता है कि डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हमारा एस्ट्रोमेटिक जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्सेज है, डिजिटल सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैव द सेम मीनिंग, इन सब का क्या एक ही मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन डिजिटल सिग्नेचर बोल दो, कंप्यूटर रिसोर्सेज बोल दो, ये सब एक ही होते हैं। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन, अब हम क्या सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज और हमारा चेक है उनको क्या करेंगे, एक साथ रीड करेंगे। फिर देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न के अंदर, जो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन टू थर्ड पार्टी को, वो क्या देता है इंस्ट्रक्शन देता है पेइंग अ स्टेटेड सम ऑफ मनी एट डेजिग्नेटेड फ्यूचर डेट। कि ये क्या होता है एक फ्यूचर डेट पे जो हम डिसाइड करते हैं उस फ्यूचर डेट पे हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं। और चेक इज़ ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी है ड्रोन ऑन बैंकर और पेपल ऑन डिमांड, जो क्या है एक बैंक पे हम डिमो जो ड्रा करते हैं और जो डिमांड पे क्या होता है पेबल होता है। आज मेरे पास मान लो 10,000 रुपये का चेक पड़ा है तो वो मैं जाके बैंक के पास क्या करा रही हूँ, जमा करवा रही हूँ, तभी बैंक क्या देगा उसके बदले में मुझे पैसे देगा, यानी ओवर द काउंटर जाके मैं कह रही हूँ उसकी डिमांड कर रही हूँ, तो चेक हमेशा क्या होता है डिमांड पे ही पेबल होता है। उसके बाद हमें ये इमेजेस दी हुई है कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में, तो ये हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोमिसरी नोट है वो क्या होता है, देखते हैं। अब देखो हम देखेंगे प्रोमिसरी नोट का परफॉर्मा कि प्रोमिसरी नोट में क्या क्या होता है। तो अब देखो जो प्रोमिसरी नोट है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम देखते हैं देखो ये प्रोमिसरी नोट है किस टाइप का, वो लिख दिया कि यहाँ पे हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, किस बंदे का जो एड्रेस है वो हम एड्रेस लिखेंगे, किस बंदे को हमें पे करना है, कि जैसे कितने मंथ के लिए है, जैसे ये 3 मंथ आफ्टर डेट कि 3 महीने बाद मैं आपको पे करूँगा, और मैं श्री रमेश को क्या करता हूँ प्रोमिस करता हूँ उसके ऑर्डर पे 10,000 रुपीज़ क्या करूँगा उसे पे करूँगा, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे स्टैंप लगा देंगे, और यहाँ पे हम किसका लिख देंगे खुद का एड्रेस लिख देंगे, मेकर का एड्रेस जो उसे बनाता है। उसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसे हम भेजना है उसकी हम यहाँ पे डिटेल लिखते हैं, कितनी अमाउंट का भेजना है, कितने मंथ के बाद भेजना है, और जिसे हम रिसीव करना होता है जो सेंड करता है उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे उसका सिग्नेचर होता है। उसके बाद आता है चेक की इमेज, चेक की इमेज में देखो यहाँ पे हमें कितनी अमाउंट पे करनी है वो लिखते हैं, यहाँ पे हमारे अकाउंट नंबर, यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखते हैं और यहाँ पे हम डिजिट में लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखी जाती है और यहाँ पे हमारा क्या होता है सिग्नेचर होता है, और जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक का यहाँ पे क्या होती है डिटेल होती है, और ये क्या होता है बैंक के नंबर जो ब्रांच के कोड वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं डिस्क्राइब किए होते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप मेरे चैनल का आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं #smiley को। सो गाइस ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।